हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि के लिए इस वीक के लिए मैं टैरट कार्ड रीडिंग लाई हूँ। आइए देखते हैं इस वीक में टैरट कार्ड्स कुंभ राशि को किस किस चीज़ की वार्निंग दे रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों का उनको ध्यान रखना है जिससे कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो। लो जी, आपका तो फर्स्ट कार्ड ही निकल आया है। हम रखते हैं इस कार्ड को यहाँ पर और हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक लाइक तो दे ही दिया करिए ना फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। इस वीक में गज केसरी योग बन रहा है, इस वीक में लक्ष्मी योग बन रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए इतने लकी हों कि आपके पास में धन और ऐश्वर्य की कोई कमी ना हो, और गज केसरी योग में तो सारी की सारी आपकी विशेष फुलफिल होनी ही हैं। तो इन सब के मद्देनज़र आइए देखें टैरट कार्ड्स आपको क्या सलाह देते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड निकला था शेयरिंग, द क्रिएटर, आइसोलेशन, प्रोजेक्शन, गाइडेंस, ऑर्डिनेंस, द लवर्स, सप्रेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हार्मनी। देखिए कुंभ राशि, आपके ये जो कार्ड्स निकले हैं, ये कार्ड्स में आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट अज्यूम। आप ये सब सोच के मत बैठ जाइए कि आपके पार्टनर ऐसे हैं वैसे हैं। इट इज़ बेटर आप उनसे बातचीत कीजिए और अपने मन के वहम को दूर कीजिए। आपका बहुत अच्छा कार्ड निकला है द लवर्स कार्ड। ये कार्ड तभी निकलता है जब प्रेमी और के बीच में बहुत गहरा प्यार हो। तो प्यार तो आप दोनों के बीच में है, पर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आकर आपको कुछ ऐसा बोल रही है जिसके कारण आप अपने प्रेमी पर प्रेमिका पर शक कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। देखिए जो फर्स्ट कार्ड, सबसे पहला कार्ड आपका टैरट कार्ड्स ने यही दिया है शेयरिंग। शेयर योर डाउट्स विद योर पार्टनर, शेयर योर लव विद योर पार्टनर, शेयर एवरीथिंग विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर कीजिए, उनको सब कुछ बताइए, क्योंकि आप उनको बताएंगे तभी आप दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होने वाला है। आप यदि आपको नहीं समझ में आता है कि हाउ व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक, आपको कौन सा स्टेप लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो यू कैन टेक द गाइडेंस ऑफ एनीवन। आप किसी की भी गाइडेंस ले सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स में से, नहीं तो आप किसी फ्रेंड के साथ उससे बातचीत करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि मेक हार्मनी, आप दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने की बहुत ज़रूरत है, तालमेल बिठाने की बहुत ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में अभी तक भी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। एक साउथ जाता है तो दूसरा नॉर्थ चला जाता है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आप दोनों के बीच में तालमेल इसीलिए नहीं बैठ पा रहा है कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आप जो भी आपकी बातें होती हैं उनको आप शेयर नहीं कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड शेयरिंग का निकला, इसीलिए दिया है टैरट कार्ड्स ने। आप एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है जिससे आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो आप वो शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आप अकेले पड़ जाएंगे, आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आपने पार्टनर के साथ में अपनी बातों को शेयर कीजिए, प्लान कीजिए जो भी प्लान आप सोच रहे हैं आगे ले जाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग करेंगे तभी तो ना आपका रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। और यदि आपकी अभी अभी शादी हुई है तो यू कैन गो ऑन योर हनीमून, हनीमून पे जाइए, वहाँ जाएंगे तो आप अपने पार्टनर को और अच्छे से समझ पाएंगे और आप दोनों को खुशी भी मिलेगी। लव लाइफ में यदि कोई भी किसी थर्ड पर्सन के कारण प्रॉब्लम चल रही थी तो पहले से बेटर हो जाएगी, और आप दोनों के बीच में जब तालमेल हो जाएगा, जब आप दोनों के बीच में हार्मनी आ जाएगी, तो ऑफ कोर्स आप एक दूसरे के फैसले को भी सपोर्ट करने वाले हैं।
तो ये सप्ताह यदि आप चाहते हो कि आपके लिए सुखद हो, दिलचस्प हो, आपका प्रेम खूब फले फूले, तो जो मैंने बताया उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।